सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजन फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम पर वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि ये वारंट जमानती है। दरअसल आजम खान को गुरुवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने इस वारंट को जारी किया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पर कोर्ट वर्ड में दस्तावेज तैयार कर बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया था। इसी मामले को लेकर उन्होंने केस दर्ज कराया था। ये मामला आईपीसी धारा 420, 467, 468 और 471 में दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता के वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि अगर अगली तारीख पर भी आजम खान कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होंगे। रामपुर से आमिर खान और कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक। आज जो आजम और आजम की पत्नी ने अपने बेटे के जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे अलग अलग जगहों से, उस वाले मामले में जनवरी में मुकदमा दर्ज किया गया था, तो उसमें आज तारीख थी। आजम को पूरे परिवार के साथ आज आना था, लेकिन वो नहीं आए हैं, तो कोर्ट ने उसमें वारंट जारी किए हैं। 29 अक्टूबर डेट पड़ी है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि इस मामले में न्यायपालिका कड़ी से कड़ी सजा देगी। और इस तरीके के लोग जो कानून को बिल्कुल अपना खेल समझते हैं, उनको सज़ा मिलेगी और हर चीज़ अब जनता के सामने आएगी। आज वो अदालत में पेश नहीं हो पाए, अब क्या कारण रहे, क्या डर था, गिरफ्तारी का डर था, क्या चीज़ था, ये तो वो ही बताएंगे। बहरहाल आज वो अदालत में उपस्थित नहीं हुए। मामला क्या था? ना वो हुए, ना उनका बेटा और ना ही उनकी पत्नी। वैसे मामला क्या था? मामला है अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म पात्र हैं, एक तो लखनऊ से जारी किया गया था, एक रामपुर नगर पालिका से जारी किया गया था। उसके विरोध में आकाश सक्सेना हनी ने एक FIR दर्ज कराई थी, तो उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। उस फाइल के बाद सम्मन गए थे, इन्होंने सम्मन नहीं लिए, तो अदालत ने इनके गेट पर वो चस्पा करा दिए थे। तो जब चस्पा कराने का प्रोसेस जो है वो तामीली पूर्ण मानी जाती है, उसमें आज की डेट लगी थी और इन तीनों में से आज कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है, तो अदालत ने इनके लिए BW जारी कर दिया है। BW मतलब वारंट जारी होगा। ये जमानती वारंट होता है? हाँ, ये अभी तो जमानती वारंट होता है, क्योंकि अदालत का एक प्रोसेस है, पहले सम्मन, फिर जमानती वारंट, फिर नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया जाता है। अब तारीख क्या पड़ी है? अब 29/10 तारीख पड़ी।